आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तुम्हें शांति मिले में। दोस्तों, आज का विषय है अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। वचन देखेंगे हम पहला पत्रस 1:15। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद हो। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वो भला है। प्रियजनों, प्रेरित पत्रस कहते हैं कि अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ध्यान दीजिए, वह कह रहे हैं अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बहुत से विश्वासी भाई बहन कहते हैं, हम चोरी नहीं करते, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम हत्या नहीं करते, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी पाप में जीवन भर फंसे रहते हैं। जैसे कि झूठ बोलना, दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों से जलना, कभी कभी मुंह से गाली देना, ये सब उन्हें छोटे छोटे पाप लगते हैं। परंतु पवित्र शास्त्र कहता है अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। एक विश्वासी का जीवन अन्य जातियों से बिल्कुल अलग होना चाहिए, क्योंकि विश्वासी ज्योति की संतान है, अंधकार की संतान नहीं। परंतु यदि आज के युग के विश्वासी की बात करें तो उनके जीवन में दूर दूर तक पवित्रता नजर नहीं आती। बहुत से विश्वासी विश्वास में आने के बाद भी वही पुराना स्वभाव लेकर जीवन जीते हैं। इसी वजह से परमेश्वर का प्रकोप उन विश्वासियों पर पड़ता है। विश्वास में आने के बाद भी बीमारी, गरीबी, अशांति, निराश, असफलता उनके जीवन में बनी रहती है। ध्यान दीजिए, पवित्र शास्त्र क्या कहता है। कुलिसियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामनाएं, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रियजन, जब एक विश्वासी ज्योति में आने के बाद अंधकार में जीवन जीता है, तब उसके जीवन पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है और वह व्यक्ति शाप के अधीन हो जाता है। कुलिसियों 3:6। इन्हीं के कारण परमेश्वर का कोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर पवित्र, इसलिए आवश्यक है कि हमें भी पवित्र बनना चाहिए। पहला पत्रस 1:16। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आइए आज हम सब खुद को जांचें, कहीं ऐसा न हो न्याय के दिन दोषी ठहराए। प्रभु आप सभी को आशीष दे इन वचनों को सुने जाने और पढ़े जाने पर। प्रेस द लॉर्ड।